नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। सीमा की लंबी साझेदारी होने के चलते दोनों देशों के बीच सीमा पर विवाद चरम पर रहता है। यह विवाद 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, इसलिए इसका अब तक कोई हल नहीं निकाला जा सका है। यही कारण है कि 1975 के बाद गलवान की हिंसा पहली हिंसक घटना थी। इसमें भारतीय सेना के करीब 20 जवान शहीद हुए। हालांकि सैनिक चीन के भी मारे गए थे, लेकिन चीन बड़ी ही उस्तादी से इसे छुपाने में कामयाब रहा। और यही वजह है कि भारत में भी देश की विपक्षी पार्टियां मौजूद सरकार पर आरोप लगाती हैं कि चीन हमारी जमीन हड़प रहा है। विपक्ष कभी इन आरोपों को साबित हालांकि नहीं कर पाई है। विपक्ष के नाम पर राहुल गांधी प्रमुख चेहरा है जो मोदी को घेरने का काम करते हैं, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर हैं और वहां उन्होंने चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार की तारीफ कर दी है। और वो तारीफ क्यों की गई है, आज उसी पर बात करेंगे। राहुल गांधी जब से अमेरिका पहुंचे हैं तब से वो मोदी सरकार पर तमाम तरह के आरोप मढ़ चुके हैं। हालांकि उन आरोपों की पोल हम आपके सामने पहले ही खोल चुके हैं। हालांकि जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भड़ास निकाल रहे थे, उसी वक्त ऐसा भी वक्त आया जब राहुल गांधी ने मोदी सरकार की तारीफ की। राहुल गांधी ने कहा, चीन भारत पर कुछ थोप नहीं सकता और भारत और चीन के संबंध आसान नहीं है, ये मुश्किल होते जा रहे हैं। कांग्रेस नेता 3 अमेरिकी शहरों की यात्रा पर है और उन्होंने कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय परिसर में बुधवार रात छात्रों के एक प्रश्न का उत्तर में ये बात कही है। छात्रों ने राहुल से पूछा था कि अगले 5 से 10 सालों में भारत और चीन के संबंध कैसे होंगे, आप इसे किस तरीके से देखते हैं। इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा, ये अभी मुश्किल है, मेरा मतलब है कि उन्होंने हमारे कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है, ये मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है। भारत पर कुछ थोपा नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में 3 वर्षों से गतिरोध कायम है। जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़पों के बाद संबंध बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। भारत सरकार का रुख है कि द्विपक्षीय संबंध तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक कि सीमाई इलाकों में शांति ना हो। भारत में रहते हैं तो राहुल गांधी को चीन के मुद्दे पर कभी अकल नहीं आई, लेकिन शायद अमेरिका जाने के बाद उन्हें समझ आ गया है कि भारत और चीन के रिश्ते आसान नहीं है, क्योंकि ये विवाद अंग्रेजों के वक्त से चला आ रहा है। 1914 से ये विवाद लगातार चलता आ रहा है। बड़ी समस्या ये है कि चीन मैकमोहन लाइन को नहीं मानता। चीन कैसे तानाशाही पर उतारू रहता है वो भी आपको बताएंगे। राहुल गांधी ने चीन के साथ रूस पर भी भारत के रवैये की तारीफ कर दी है। राहुल गांधी से सवाल किया गया कि आप भारत के रूस रुख को कैसे देखते हैं, तो इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा है, रूस के साथ हमारे संबंध है, रूस पर हमारी कुछ निर्भरताएं हैं, इसलिए मेरा रुख वही है जो भारत सरकार का है। भारत को अपने हितों की ओर देखना होगा, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है जहां सामान्य तौर पर उसके और अन्य देशों के संबंध होंगे। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि आखिर राहुल गांधी को ये अक्ल कैसे आई। अक्सर चीन के नाम पर मोदी को कोसने वाले राहुल गांधी अचानक मोदी के साथ कैसे खड़े हो गए, तो उसके पीछे का कारण है मोदी का बढ़ता हुआ रुतबा और चीन का भारत के सामने घुटने टेकना। जिस चीन की नजर हर वक्त भारत की जमीन पर रहती थी, अब उसकी औकात इतनी भी नहीं है कि वो 1 इंच जमीन भी हड़पने के बारे में सोच सके, क्योंकि गलवान और तवांग में वो भारतीय सेना के पराक्रम को परख चुका है और उसे भी पता है कि भारत के बिना उसकी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। जैसे पाकिस्तान से व्यापार बंद होते ही पाकिस्तान भीख मांगने को मजबूर हो गया, चीन भी समझ चुका है कि भारत के साथ दुश्मनी करने में उसका ज्यादा घाटा है। अब इस कहानी का दूसरा पहलू समझिए। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की गई है। नए संसद भवन को लेकर कहा गया है कि पीएम मोदी ने गुलामी की निशानियों को मिटाया है, हम पीएम को समर्थन देते हैं। इन सब के बीच एक सर्वे ने साफ कर दिया है कि आखिरकार लाल आंख दिखाने वाले ड्रैगन को पीएम नरेंद्र मोदी के 56 इंच के सीने के सामने झुकना ही पड़ा। दरअसल ये खुलासा खुद चीन के एक सर्वे में हुआ है, वो कैसे वो भी आपको बताते हैं। चीन में हाल ही में किए गए एक सर्वे से ये बात सामने निकल कर आई है कि वहां के 92% लोग भारत से खतरा महसूस करते हैं। चीन में सिर्फ 8% लोगों का कहना है कि उनको भारत से कोई डर नहीं लगता। चीन की जनता के बड़े हिस्से में भारत के प्रति पिछले 3 सालों में ये डर आया है। ये सर्वे सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने कराया। इससे पहले सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने साल 2020 में ऐसा ही सर्वे कराया था, तब 27% लोगों ने ये कहा था कि भारत अच्छा पड़ोसी है। उस सर्वे में 73.6% चीन के नागरिकों ने भारत को खतरा बताया था। अब बीते 3 साल में चीन के लोगों में भारत के प्रति खौफ बढ़ने का खुलासा इस ताजा सर्वे से हो रहा है।
अब ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर इन 2-3 सालों में ऐसा क्या हुआ जो पूरा ही गेम बदल गया है। तो वो गेम कैसे बदला है? मोदी सरकार की मेहनत से। जिस एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग पहले चीन में होती थी, अब वो भारत में हो रही है। टेस्ला अपना पहला प्लांट लगा रहा है। जब चाइना के पेट पर लात पड़ी तो सीधा इसका असर उसके दिमाग पर हुआ। जब अमेरिका और चाइना की नहीं बनी तो दोनों के इकोनॉमिक रिश्ते खराब होने लगे। अमेरिका चाइना पर डिपेंड करता था और चाइना अमेरिका पर निर्भर करता था। एक तरीके से ये दोनों एक दूसरे के पूरक थे, लेकिन जब दोनों के बीच इकोनॉमी को लेकर लड़ाई हुई तो चाइना बैकफुट पर आ गया। जब अमेरिका को पता चला कि हम ही से डॉलर लेकर चीन हमारी ही जासूसी करा रहा है, तो अमेरिका ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया। और ये उसी का नतीजा था कि भारत में एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई और अब भारत में टेस्ला भी बनने जा रही है। चाइना को पता है कि पूरे एशिया में अगर कोई चाइना से आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है तो वो है भारत। अब इसी का नतीजा है कि जब चाइना के पेट पर लात पड़ी तो वहां के लोग भारत से घृणा करने लगे, डरने लगे। भारत की शक्ति अब लगातार बढ़ती जा रही है और ये सर्वे इसी बात का सबूत है। चीन शायद भूल गया था कि देश का नेतृत्व आज एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो जानता है कि चीन जैसे देशों से आखिर कैसे निपटना है। और राहुल गांधी को भी समझना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों के दौरे पर जाकर भारत की तारीफ करते हैं, बताते हैं कि भारत निवेश के लिए एक बेहतर देश है। ये प्रधानमंत्री की मेहनत का ही नतीजा है जो भारत की विकास दर आज 7.2% है। भारत अमेरिका और चीन से बहुत आगे है। राहुल गांधी को ये बात समझनी होगी और विदेशी धरती पर जाकर भारत के खिलाफ बोलने से बचना होगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।